Chamath Karsandhu reporting for Sony Sports Network in India here in Louisville, Kentucky, standing alongside Pooja Tomar, who has just defeated Ryan Dos Santos via split decision and thus becomes the very first Indian fighter in UFC history to pick up a win in the promotion. Pooja, first of all, how do you feel getting that win? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सोच के आई थी कि हाँ मुझे ये फाइट जीतनी है. Amazing, I feel amazing. What was it like walking out? Jai Ho is playing. You're feeling the energy. What was that whole experience like for you? मैं फाइट कर रही थी वो बहुत अच्छी बात थी, बट जो वो मेरा वॉकिंग सॉन्ग था वो मुझे मेरे इंडिया के लिए था कि मैं वर्ल्ड स्टेज पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ इंडिया को और इंडिया के फ्लैग के साथ. वो फाइट से पहले जो वॉकिंग होती है वो ऐसी होती है कि वो आपकी फाइट से ज़्यादा होती है, उसमें एकदम गूज़बम्प और स्ट्रेंथ भर देती है आपकी फाइट के लिए. And when they were kind of calling your name, introducing you to the crowd, what was that like to have your name heard as a fighter in the UFC and stepping in the octagon? I feel like that. Oh, I do hard work. मैंने बहुत मेहनत की है इसलिए मैं यहाँ हूँ और इतने क्राउड में मेरा नाम हो रहा है और वो भी अमेरिका में और वर्ल्ड स्टेज पे. तो मैं बहुत अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग थी और बहुत मोटिवेट थी कि हाँ मुझे ये जीतना है. Very close fight. It was a tough fight. Went all three rounds, and you got the decision. When they were calling out the result, were you confident that you had done enough to win the fight? हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस था. मैंने बहुत अटैक भी लिए थे, बट फिर भी जैसे हमारी ट्रेनिंग थी वो इतना मैं 100% दे नहीं पाई हूँ. थोड़ा सा था, मुझे हल्का सा प्रेशर लगा सेकंड राउंड में और मैं अपनी बहुत सारी मुझे स्किल अभी सुधारनी है, मेरे टेक डाउन और बहुत सारी चीज़ें. बट हाँ, मुझे लगा था कि हाँ मैं ये मेरे फेवर में है भाई. इन द थर्ड राउंड यू वर स्क्रीमिंग इन हर फेस लाइक लेट्स गो. व्हाट वाज गोइंग ऑन मेंटली इन योर माइंड इन दैट थर्ड राउंड? लास्ट अंशुल की फाइट में मैंने देखा था कि वो लड़का उसके साइड में ऐसे स्क्रीमिंग कर रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो मुझे नहीं डरा सकती है. उसने मुझे किया तो मैंने उससे ज़्यादा किया कि नहीं, हम लूजर नहीं हैं, हम तुम्हें हरा सकते हैं. सो यू द फर्स्ट इंडियन फाइटर टू विन इन द UFC. व्हाट डज दिस मीन टू यू पर्सनली? मेरा MMA का सफ़र और मार्शल आर्ट का सफ़र इजी नहीं था, बहुत हार्ड था. और ये विनिंग मैंने अंदर से सोचा था ये मेरी मम्मी के लिए है, वो उन्होंने दुनिया से मेरे लिए लड़ा है. और ये मेरे इंडिया के लिए तो था, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे दिमाग में मेरी मम्मी थी कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी मुझे दी है और मैं ये जीत तो मेरी मम्मी को दे के रहूँगी. ब्यूटिफुल. व्हाट इज़ योर मैसेज? एवरीबॉडी बैक होम इन इंडिया, दे स्टेड अप लेट to watch this fight. The comment section are going crazy. They are so happy that finally someone from India has won in the UFC. What is your message to them? मैं दो दिन बाद इंडिया आ रही हूँ और हम मिलके सभी सेलिब्रेट करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे सभी इंडिया फैंस मेरा वेट कर रहे हैं और हम सेलिब्रेट करेंगे. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इंडिया जाने के लिए अब. Pooja, congratulations, well done. Thank you so much.